गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड चैप्टर सेवन एडजेक्टिव्स। अब हम आपको विशेषण के बारे में बताएंगे, विशेषण होता क्या। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 खोलिए 33। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एडजेक्टिव होता क्या, विशेषण, इसको हिंदी में कहते हैं विशेषण। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, विशेषण वह शब्द होता है डेट डिस्क्राइब्स, जो वर्णन करता है, आइडेंटिफाइज बताता है, और फर्दर डिफाइंस ए नाउन और प्रोनाउन, और डिफाइंस परिभाषित करता है इसको, संज्ञा को और सर्वनाम को। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हमारे कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, कर्म होती हैं। इन दिस क्लास वी शैल लर्न द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, अब हम इस चैप्टर में विभिन्न प्रकार के एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे। जैसे हमने कहा कल मैंने काला हाथी देखा, अब यहाँ पर काला हाथी, अब हाथी की विशेषता क्या है, हाथी कैसा है, काला है, ब्लैक है, तो ब्लैक जो वर्ड है वो क्या हो गया, हमारा एक एडजेक्टिव हो गया। अब इसकी परिभाषा से संबंधित होता है कि एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब इसमें संज्ञा क्या हुआ, एलिफेंट हो गया, काला हाथी देखा, एलिफेंट नाउन हो गया, और नाउन की जो विशेषता क्या है, हाथी हमारा कैसा है, काला है, जो नाउन की विशेषता बता रहा है, शब्द बता रहा है, उससे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जो काला वर्ड हुआ, ब्लैक वर्ड हुआ, वह हमारा एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाता है। अब देखो एडजेक्टिव के प्रकार, पहला एडजेक्टिव शो कर रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण होता क्या, क्या बताता है ये, इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग, यह वर्णन करता है द क्वालिटी, विशेषता का वर्णन करता है, ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति की विशेषता का वर्णन करता है, और थिंग, और किसी वस्तु की विशेषता का वर्णन करता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। जैसे ए वाइट शर्ट, एक सफेद शर्ट, शर्ट की क्वालिटी क्या, शर्ट हमारी कैसी है, कलर में व्हाइट है, जो व्हाइट जो गुण है उस नाउन का वो व्हाइट है, तो व्हाइट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एन एंग्री वुमन, एक नाराज औरत, एक क्रोधित स्त्री, अब यहाँ पर औरत की विशेषता क्या, क्वालिटी क्या औरत के अंदर, औरत कैसी है, वुमन एंग्री है, क्रोधित है, नाराज है, तो एंग्री वर्ड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यह किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा गया है, गुणवाचक विशेषण कहा गया है। सेकेंड है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिणाम वाचक विशेषण, इसका मतलब क्या है, इट शोज क्वांटिटी, यह मात्रा बताता है, फॉर एग्जाम्पल हाउ मच ऑफ समथिंग, कि वह चीज कितनी है, जैसे सम मिल्क इज ऑलवेज स्पिल्ड, देयर वॉज नो फूड लेफ्ट फॉर मी, अब यहाँ पर सम और नो ये हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मात्रा बता रही है, जैसे देयर वॉज नो फूड, भोजन नहीं था, लेफ्ट फॉर मी, मेरे लिए भोजन नहीं छोड़ा गया, अब यहाँ पर नो फूड, भोजन की विशेषता क्या है, मात्रा क्या है, नो फूड मतलब भोजन नहीं है। नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसका मतलब होता है संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं संख्यावाचक विशेषण, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट एक्सप्रेसेस द नंबर, यह व्यक्त करता है संख्या को, काउंट ऑफ ए नाउन, जो नाउन की संख्या होता है उसको व्यक्त किया जाता है। इफ इट इज एन एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर होता है इसमें, देन इट इज कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर भी होता है, वन फिफ्थ सिक्स एडजेक्टिव, जैसे एग्जाम्पल देयर वर 50 स्टूडेंट, देयर वर 50 स्टूडेंट, 50 विद्यार्थी थे इन द क्लास, कक्षा में 50 विद्यार्थी थे, अब यहाँ पर फिफ्थ वर्ड का प्रयोग कर दिया है, फिफ्थ 50 स्टूडेंट का हमने वर्णन कर रही है, अब विद्यार्थियों की संख्या 100 हो रही है, विद्यार्थी कितने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, विद्यार्थी कितने उपस्थित है,
आंसर मुझे क्या मिला 50, 50 विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित है। जो 50 वर्ड है वो हमारा हो गया एडजेक्टिव और नंबर। नेक्स्ट, इफ इट इज इंडिकेटिव ऑफ ए रैंक अमंग ए ग्रुप, अगर हम किसी ग्रुप में रैंक निकालते हैं देन इट इज कॉर्डिनल नंबर एडजेक्टिव, ये हमारा कॉर्डिनल नंबर एडजेक्टिव कहलाता है। I stood 7 in the queue में लाइन में 7 लाइन में मतलब एक लाइन में मैं 7 संख्या में खड़ा हुआ था, तो 7 हमारा क्या हो गया ऑर्डिनल नंबर हो गया और 50 क्या हो गया कार्डिनल नंबर हो गया। अब यहाँ पर 7 इन द क्यू में क्यू उस पंक्ति में उस लाइन में 7 नंबर पर खड़ा हुआ था, तो 50 और 7 हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गई मतलब संख्यावाचक विशेषण हो गया। अगला है पजेसिव एडजेक्टिव, इसमें क्या होता है इट एक्सप्रेसिव, यह जो हमारा विशेषण होता है व्यक्त करता है बिलोंगिंग टू संबंध, किसी से संबंध स्थापित करता है, इसलिए इस एडजेक्टिव का नाम पजेसिव एडजेक्टिव रखा गया है। संबंध और समथिंग पजेशन, जैसे योर फादर इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, तुम्हारे पिता इंतजार कर रहे हैं बस स्टॉप पर। अब यहाँ पर देखो योर फादर तुम्हारे पिता, तो एक संबंध स्थापित हो गया बच्चे का और पिता में संबंध हो गया, इसलिए इसे पजेसिव एडजेक्टिव कहा गया है, संबंधवाचक विशेषण कहा गया है। दूसरा एग्जांपल है दोज आर माई बिलोंगिंग्स, ये सभी चीजें मेरी हैं, मुझसे संबंधित रखती हैं। दोज आर माई बिलोंगिंग, तो चीजों का संबंध किससे हो गया किसी व्यक्ति से हो गया, इसलिए इसको पजेसिव एडजेक्टिव कहा गया है, संबंधवाचक विशेषण कहा गया है। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेत वाचक विशेषण, अगला हमारा है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसका हिंदी अर्थ होता है संकेत वाचक विशेषण। ये संकेत वाचक विशेषण होता क्या है इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नाउन, यह संज्ञा की ओर संकेत करता है, जो नाउन होता है उसको इंडिकेट करता है संकेत करता है, जैसे डेट कार वॉज रनिंग सो फास्ट, वह कार तेजी से चल रही है। अब वह कार, अब कार को यहाँ पर विशेष रूप से इंडिकेट किया गया है, तो डेट हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि कार हमारा डेट हमारा है जो वर्ड वो संकेत कर रहा है कार के लिए। दीज क्लॉथ्स आर टॉर्न, ये कपड़े फटे हुए हैं, तो ये यहाँ पर जो दीज वर्ड है हमारा वो संकेत कर रहा है कपड़ों के लिए, तो दीज वर्ड हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेत वाचक विशेषण। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया।